हाँ तो हेड्स अप कॉकटेल्स में रहो के जब मैं टेस्ट टीम का पहली बार कप्तान बना था इसी लकी कॉइन से मैंने टॉस किया था। बड़ी बाबा जगमोहन ये क्या हो रहा है निशाई? हमारी कब्र खोदने के लिए जगह देखी जाएगी। हेड्स हेड्स आजा 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 हेड्स। आप बैटिंग करेंगे पहले? हाँ ओके राइट। ये तुम्हारा लकी कॉइन है भाई। आदत है क्या करूं। वी आर बैटिंग बैटिंग धारावी 11 जिंदाबाद। कम ऑन बॉयज। ये बता देना सुनील, समझता हूँ कि सुनील गावस्कर खास तौर से ऑस्ट्रेलिया से इस मैच को यानी धारावी 11 वर्सेस गावस्कर 11 के खेलने के लिए बछार करते हुए और फिर एक बार बॉल बॉल को घुमा कर मारा। ठीक है मेरी बात बात ध्यान देगा। हेलो उधर उधर जा उधर उधर सुनो राजा मैं हाँ हाँ तुम जी उस फील्डर को उधर अब वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे उल्लू के पट्टे उधर जा उधर जा उस साले हाँ किसे भेजा तुझे। Well done, sir. Thank you. और कितने रन बनाने का इरादा कर रहे हैं? जितने ऊपर वाला चाहे। ओह अच्छा ऊपर वाला। Back in his own coin. He too is a fine cricketer. Waits for the first one. Zoom in on. There's going to be four runs. Raja waits. Magnificent shot. Almost like Gavaskar. Paying him back in his own kind. Coin and Gavaskar puts his. अबे घास कर रहे हैं क्या बैटिंग कर रहा है? हाँ। He really worried the man. Thank you. Great. And that's another command for him this time to find leg for more runs. बड़ी बाबा वो अपना सही हिरवानी किधर ले ली? कम वक्त पवेलियन में बैठकर बिरयानी खा रहा है। Batting off like the little master. Well bowled. To Gavaskar 11. Well done. This time a caught behind. Shabash, shabash, well done. Going to be PC, Premchand. Premchand? And let's see where he can carry the fight into first ball and outside the optimum runs for the Dharavi 11 and here is PC also showing some good touch. Next ball is outside the optimum and he is aging. This man is not going to miss anything in the slip. No slip in the slip from this man and राजा की टीम के आखिरी खिलाड़ी गोविंद उनका साथ देने के लिए आए। गोविंद ने बॉल को हिट किया और एक रन छक्का बड़ी छक्का नहीं मारा साईं दादा की दौलत को धक्का मार और राजा के 51
creeping on Gavaskar 11. He's a worried man. You can almost hear his cricketing brain going tickety-tick. Sunil Gavaskar cricket jagat ke sabse jane mane vikhyat. And here he is, Gavaskar now himself taking up the bowling. Must have learned something from a... Throw that ball. Raja is 75. There is Gavaskar coming into ball to him. He's taken the task upon himself to try and get rid of the danger man, Raja. Raja hits back the ball at him. कैसा शॉट मारता है, इतना इजी कैच उठा के गावस्कर के हाथ में दे दिया। ठीक है यार, आ रहे हैं तो गावस्कर 11 से आ रहे हैं यार, कोई छोटी मोटी टीम नहीं, इसमें रोने की क्या बात। अरे रो कौन रहा है यार, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। Hey, तुझे मालूम है इस मैच में हमारे 5 करोड़ और खर्च हो गए हैं। इसमें खुश होने की क्या बात है, अब सिर्फ 3 लाख बाकी है। Well played, well tried. Thank you, sir. अरे भाई मैच हार गए तो क्या हो गया, टेस्ट मैच थोड़ी था। हाँ वो भी सही है सर, वो आज शाम को मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, अगर आप उसमें आ सकें तो। हाँ आज तो नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैंने सिलेक्टर्स को खाने पे बुलाया। ओह ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मस्का पॉलिश करने के लिए। बिल्कुल ठीक। सो एक्सक्यूज मी, बाय बाय सर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर, बाय बाय सर, बाय बाय। कर्मा के साथ हेलीकॉप्टर तैयार करो, फायर। भाई और बहनों, सुनील गावस्कर साहब तो हमारी पार्टी में आज शाम नहीं आ सकेंगे, लेकिन सुनील गावस्कर साहब के सारे फैंस को हमारी तरफ से बुलावा है, आज रात हमारे साथ खाना खाएंगे। भी, कल एक बड़ा मजेदार हो गया हुआ। इसी होटल में नीचे लॉबी में मुझे रेखा मिल गई, अपनी रेखा फिल्म एक्ट्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड। भाग रहा था भाई, मुझे लगी कि भाई हो कहाँ भाई इतने रोज से। तो मैंने कहा कि भाई क्या करें, राजा हम जो जानती है कि मैं। हाँ राजा साहब नजर नहीं आ रहे। कौन राजा? ओ राजा, हाँ राजा कहाँ है? ए, ये क्या, वहाँ पार्टी पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ बैठी हैं? मैं जा रही हूँ, और जाने से पहले आपकी अमानत देना चाहती हूँ। क्या है ये? आपके 30 करोड़ का बैलेंस शीट, सिर्फ शीट ही शीट बाकी रह गए हैं, बैलेंस तो जीरो हो गया है। तो आपको दुख हो रहा है? नहीं नहीं, बड़ी खुशी हो रही है, और उससे ज्यादा खुशी ये जानकर हो रही है कि जो 3 लाख बाकी बचे थे वो भी आपने शानदार पार्टी में बड़ी शान से उड़ा दिए हैं। आप जानते नहीं, आपके पास एक फूटी कौड़ी भी बाकी नहीं रह गई। हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। आदत? पर्दा। काश आपको मालूम होता कि पैसे की कीमत क्या है, किसी गरीब के दिल से पूछिए इस रकम की क्या कीमत हो सकती है, उम्र भर की कमाई हो सकती है किसी की, लेकिन आपको समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। चलिए छोड़िए ना इन सब बातों को, नीचे आपके बिना मजा नहीं आ रहा, पार्टी बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है। आपकी पार्टी आपको मुबारक, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ। आपकी ड्यूटी और कुछ नहीं? और कुछ, और कुछ के लिए आपके पास बाकी रही क्या गया है? गुड नाइट, गुड बाय। काश तुम समझ पाती, आई लव यू। निकालो, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भाई कह रहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। ए, 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 मेरे पैसे, मेरी टोपी। आपने तो बहुत अच्छा बनवाया है। थैंक यू मैडम, आप भी दीजिए। थैंक यू आप मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, एंजॉयिंग द पार्टी। हाय गोविंद, किससे कह रहे हो? हम उल्लू हैं, गधे हैं, बेवकूफ है जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे हुए हमको ना देख सके। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपनी दौलत का आखिरी पैसा तक खर्च कर चुके हो, और अब तुम बिल्कुल फक्कड़ हो गए हो, कड़के हो गए हो। मगर दोस्त, हम अपने यार को इस तरह टूटते नहीं देंगे,
जो होना था हो गया। ले लो मेरे दोस्त, अरे इन रुपयों से तुम एक नई जिंदगी शुरू करना। नहीं 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 गोविंद, ले लो राजा। नहीं यार। हाँ सरकार, हम सब ने मिलकर ये रुपया आपके लिए जमा किया है। मेरे लिए? मगर क्यों, किस लिए? इसलिए कि ये सब कुछ तुम्हारा तो दिया हुआ है, अगर तुम्हारे किसी काम में आ जाए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है जी। नहीं, आप लोगों की भी मोहब्बत देखकर आज जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई आप लोगों की हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बस। अरे मगर क्यों? अरे क्यों? इसलिए के गोविंद, इसलिए के मुझे खर्च करने की कुछ आदत सी पड़ गई है। हाल की बात है। सुन, और अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो मुझे ये भी खर्च करने पड़ जाएंगे। अरे हाँ, मैंने कहा ना राजा साहब को मेरे पैसों की क्या जरूरत है। बिल्कुल, क्या जरूरत है? हेलो राजा साहब। हेलो, हेलो राजा साहब। हेलो मिस HONEY। राजा साहब, मैं पहली बार किसी ऐसे शख्स को देख रही हूँ जिसे अपना सब कुछ खोकर भी इतनी खुशी मिल रही है। जो मजा खोने में है वो पाने में कहाँ। चीयर्स। राजकुमार सक्सेना। हेलो। चेकआउट का समय तो 12 बजे का है और इस वक्त 3 बज चुके हैं। अब तो आपको ये होटल खाली करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक्स, बाय बाय। माफ करना राजा साहब, ये कपड़े। हाँ हाँ मालूम है। अच्छी तरह जानता हूं तुम अपनी दौलत का आखिरी पैसा था खर्च कर चुके, और अब तुम बिल्कुल फक्कड़ हो गए हो, करके हो गए। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब पैसों के दोस्त हैं। काश आपको मालूम होता कि पैसे की कीमत क्या है। किसी गरीब के दिल से पूछिए, इस रकम की क्या कीमत हो सकती है। उम्र भर की कमाई हो सकती है किसी की। हेलो मिस HONEY हनी। आप इस हाल में? राजा साहब, आपको जिस सपने की तलाश थी उसमें मैंने रंग भर दिए हैं और वो नजारे आपकी राह देख रहे हैं। अच्छा, चलिए। राजा साहब, राजा साहब कहाँ हैं आप? आपको मैंने कहाँ का देख लिया। ये लीजिए, संभालिए आपकी अमानत। अमानत क्या है ये? ये आप ही का है सरकार। आपको शायद याद होगा, इलेक्शन की मीटिंग के लिए कुर्सियाँ, टेबल, फर्नीचर, तंबू, टेंट, स्टेज वगैरह वगैरह के लिए जो डिपॉजिट आपने दिए थे, ये उसी डिपॉजिट की रकम है। बहुत मुश्किल से वापस मिली है राजा साहब। लेकिन ये मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, आपके बारे में सब कुछ सुन लिया है मैंने। ये 2 लाख रुपए इस मुसीबत में आपके काम आए। मुसीबत तो अब आएगी। मुझे नहीं लगता कि साईं अब वो आएगा। अभी नहीं आएगा राजा को, मुझे लगता है अब तो आना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अफसोस है मैं ये 2 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाया।
चंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अंदर क्या झांक रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है पूनम, 5 मिनट के बाद देखना क्या होता है। मेरी किस्मत बदलने वाली है पूनम। क्या मतलब? मतलब ये कि दादा के वसीयत के मुताबिक अगर राजा ने 30 दिन में 30 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए तो वो उनके 300 करोड़ का मालिक होने के बजाय फुटपाथ पे आ जाएगा, बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। हाँ पूनम, और अभी अभी मैंने जो उसे 2 लाख रुपए दिए हैं ना, वो उसी रकम में से बचे हुए रुपए हैं। बस अभी 4 मिनट 40 सेकंड बाकी है, वहां वो कंगाल हो जाएगा और यहाँ मैं माला माल। लेकिन ये सब कुछ तुम कैसे जानते हो? ये एक राज की बात है पूनम, और ये राज मैं तुम्हें सब कुछ हासिल करने के बाद ही बताऊंगा। इसका मतलब है तुम्हारी ये सब चाल है? तुमने जानबूझकर ये 2 लाख रुपए इस आखिरी घड़ी तक बचा के रखे हैं? You are a very mean man. Everything is fair in love and war. पूनम, Everything is fair in love and war. अब तुम्हारे सामने सिवाय इन कागजात पर दस्तखत करके और खाली हाथ दफ्तर से चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दो दस्तखत करो। ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी 2 मिनट बाकी हैं। अब कोई फायदा नहीं मुनीम जी। रुक जाओ, रुक जाओ, उस कागज पे साइन मत करना राजा। राजा? मेरा मतलब है राजा साहब, उस कागज पे साइन मत करना। साइन ना करूं? बड़ी तुम अंदर कैसे आई मिस पूनम, तुम्हें मालूम नहीं किसी दिन प्राइवेट मीटिंग। क्यों? राजा साहब आप नहीं जानते, चंदर ने 2 लाख रुपए की रसीद जानबूझ के मुझे नहीं दी, आपके साथ धोखा किया गया है। नहीं राजा साहब, ये सब कुछ झूठ है। मैं 2 लाख रुपए की रसीद देना जरूर भूल गया, मगर मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता था, आज तो मैं आपकी मदद करना चाहता था राजा साहब। झूठे, चीट, बकार, तुम जानते थे कि राजा अगर अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका तो वो कंगाल हो जाएगा। तुम माला माल बनने के सपने देख रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, लड़ाई झगड़ा करना औरतों को शोभा नहीं देता भाई, प्यार मोहब्बत से भी बात की जा सकती है। ये सारी मेहरबानी इन्हीं की थी ना, तो ये हिसाब आप मुझे पूरा करने का मौका दीजिए, है ना। तो इन्हें रसीद मैं कर देता हूँ। अब मैं तुझे नहीं मारूंगा राजा, अब तो तुझे वक्त ही मारेगा। मैं तुझ पर एक ऐसा केस करूंगा जिसके वजह से तू कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा। पूनम, तुम मेरे इस केस में वकालत क्यों नहीं करती? मैंने तो आज तक प्रैक्टिस नहीं की। अरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लो 2 लाख रुपए तुम्हारे की। चाहिए? रसीद, रसीद, रसीद निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। अरे पेन मेरे पास कहाँ है? पेन? अरे बड़ी पेन आपने नहीं। जैसा मालिक बनो पेन। आपके पास? अरे नहीं नहीं, मेरा पेन भी नहीं चलता। मैं तुम्हें मंगतराम जी के 300 करोड़ रुपए का वारिस घोषित करता हूँ। अब इनके लिए तुम क्या सजा तजवीज करते हो? इनकी मुनीम जी, मेरे ख्याल से इनका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठा के 30 महीने तक हर महीने की 30 तारीख को शहर के चक्कर लगवाए जाए। बेटे अब ये बताओ कि इन 300 करोड़ रुपए का तुम क्या करोगे? ये लीजिए, चलिए चलिए। Hey.
गोविंद। बोल राजा। आज मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू दादाजी। हाँ राजा, और आज मुझे पता चला कि पर्दे का मतलब क्या था। नो मोर पर्दा। मुबारक हो राजा साहब। दौलत की लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आज मुझे पता चला कि आपका यह मकसद कितना महान है। मैं आपके इस महान मकसद में आपके साथ हूं। गुड लक। मिला ले हाथ। ओके। आ जा यहाँ आ जा। गोविंद, पूनम, मैं आज इतना खुश हूँ। आज मैंने अपने सारे गरीब दोस्तों के लिए रहने के लिए घर, कारोबार के लिए फैक्ट्रियां, और हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम कर दिया। राजा, अगर तुझ जैसे 2 या 3 करोड़पति इस देश में और हो जाए ना, तो इस देश में से गरीबी तो चुटकियों में गायब हो जाए। राजा साहब, एक ग्रुप फोटो। अंदर आओ। दादाजी के सामने से हटो। एक मिनट राजा, आइए ना। पायल है तो ताल है, वरना तू कंगाल है।